WPL के मैचेस चल रहे हैं और आज के मैच बहुत अहम था आपके RCB वुमेन्स के लिए। अगर आज यूपी वॉरियर्स जीतती तो उनको अब क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता, लेकिन यूपी वॉरियर्स ये मैच हार गई है गुजरात जायंट से और अभी भी एक मौका बचा हुआ है RCB को, अब सिर्फ जीतना है। अब कोई पॉइंट, अब कोई उनको रन रेट की, नेट रन रेट की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ उनको जीतना है मुंबई से। लेकिन मुंबई टीम हालांकि बहुत ही तगड़ी माने जा रही है और उससे RCB को अभी फिलहाल जीतना तो नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश तो होगी स्मृति मंदाना की टीम की कि वो इस बार क्वालिफाई तो ज़रूर करे। और जैसा उनका इस बार बल्ला नहीं चल रहा है, चाहेंगे कि मुंबई इंडियंस के साथ जब वो भिड़े तो उनका बल्ला चले और RCB इस बार वुमेंस टीम कम से कम क्वालिफाई करे। पहले तो लग रहा था कि RCB टीम बहुत जल्दी क्वालिफाई कर जाएगी स्टार्टिंग फेज में, जब उन्होंने लगातार दोनों मैचेस जीते, लेकिन उसके बाद से जो डाउनफॉल आया, अच्छे अच्छे बैटर्स हैं उनके पास लेकिन फिर भी वो अब स्ट्रगल कर रहे हैं। आज का मैच के बारे में बात करते हैं। यूपी वॉरियर्स के 5 विकेट गिर चुके थे, आधी टीम आउट हो चुकी थी 9 रन पे, लेकिन उसके बाद दीप्ति शर्मा ने एक कमाल की बल्लेबाजी की, अपनी टीम को 5 विकेट में सिर्फ मात्र 8 रन से हारी है ये मैच। यूपी वॉरियर्स एक कड़ा मुकाबला दिया है आज उन्होंने गुजरात जायंट्स को और बहुत अच्छी काबिले तारीफ उनकी बैटिंग मानी जाएगी। 10 रन चाहिए थे 2 बॉल पे और हालांकि वे नहीं बना पाए, अफसोस तो होगा हालांकि इतने क्लोज मैच आके और नहीं जीत पाए, लेकिन कल की मैचेस भी ऐसी थी 1 रन से मात्र हारी थी RCB की टीम वुमेंस की। तो देखना है कि मुंबई की टीम जब भिड़ेगी RCB से क्या वो मैच वो जीतती है या क्वालिफाई करती है कि नहीं। और RCB के फैंस ऐसे भी थोड़े से नाखुश होते हैं जब RCB अच्छा परफॉर्मेंस करके भी क्वालिफायर में नहीं पहुंचती है। ऐसी ही वीडियोस के लिए लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स।